अरे खाना आ गया, आपने मुझे बुलाया क्या? पैसे आपने? हम आपसे पैसे थोड़ी ना ले सकते हैं। नो नो, आप आइए बैठिए, खाना खाइए। अब बैठो बबुआ, हम अब भाई कूलर चालू कर देते हैं। नहीं बोलिए, ठीक नहीं, बैठो बैठो बैठो। आ रही है ठंडी हवा? जी बुआ जी। लो ना बेटा, खाओ बेटा। अरे मैंने सबके लिए मंगाया। ये मशरूम सूप एकदम माइल्ड है, मतलब हल्का है, अंकल के लिए। और ये पास्ता रेड सॉस स्पाइसी है, वो खुशी को तीखा खाना अच्छा लगता है तो मैंने सोचा कि ले बेटे। मैकरोनी व्हाइट सॉस आपको अच्छा लगेगा। यूजली आपके लिए हम लेते हैं, आप खाओ बेटा। आंटी इसे ऐसे खाते हैं? आपको खाना अच्छा लगा? बहुत अच्छा है, इतना मजा आया, हमने तो कभी ऐसा खाया भी नहीं। सर अमोन, वो गाड़ी आइए ना सर, एक मिनट आइए ना। एक्सक्यूज मी सर, ये देखिए। खुशी एक मिनट बाहर। पर क्यों? खुशी मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, एक मिनट बाहर। क्या ये आपकी गाड़ी है और क्या? हे भगवान, ये कैसे हो गया? Exactly. क्या ये? क्या किया तुमने? हमने? हाँ, गाड़ी के स्पेयर पार्ट्स कहाँ हैं? अभी बताओ। जिस हालत में गाड़ी लग रही है, ऐसा लग रहा है कि सब कुछ चोरी हो गया। मैं सब समझता हूँ, जिसने चोरी किया है उसी से पूछ रहा हूँ।
क्या कहा आपने? हम चोर हैं, हमने आपकी गाड़ी के पुर्जे चुराए। आप ऐसा सोच भी कैसे सकते? I bloody well can, क्योंकि तुम्हारा दिमाग ही ऐसी हरकतें सोच सकता है जैसे सुबह मेरे नाने के पानी के साथ किया था। वैसे हम आपको बता दें कि आपका अनुमान मौसम विभाग की भविष्यवाणी से इतना गलत है। सही है, तुम मुझे परेशान करने के लिए कुछ भी कर सकती हो। हमने कुछ नहीं किया। अगर नहीं भी किया तो गलती तुम्हारी है। तुमने मुझे कहा था कि गाड़ी यहाँ पार्क करो, यहाँ गाड़ी सेफ है। अरे हमेशा तो सुरक्षित रहता है, अब हमें क्या पता, पहली बार ऐसे हुआ है और वो भी आपके साथ। Yeah, right. खुशी, listen, you. आवाज नीचे रखो, सब लोग देख रहे हैं। All right. सब मुझे नहाते हुए देख सकते हैं लेकिन चिल्लाते हुए नहीं। देखिए आपके चिल्लाने से आपके पुर्जे वापस नहीं आ जाएंगे, पुलिस को फोन कीजिए। मुझे मत बताओ क्या करना है, मैं कॉल कर चुका हूँ। अच्छी बात है, फिर अंदर आके खाना खत्म कीजिए, जब पुलिस को पता चलेगा खुद आपको बता देंगे। मैं तब तक अंदर नहीं जाऊंगा जब तक मेरी गाड़ी के स्पेयर पार्ट्स नहीं मिल जाते, जो मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि तुम्हारे पास है। अरे हमने आपसे कितनी बार कहा कि आपके पुर्जे हमारे पास नहीं है। ठीक है, खड़े रहिए तब तक जब तक खुद के पुर्जे खराब ना हो जाए।